ई-लर्निंग स्टूडियो। लिंग, जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। इसमें केवल कोई व्यक्ति नहीं होता, अपितु पशु पक्षी वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया, माँ कपड़े धो रही है, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही है, भैया काम पर गए हैं। इन सभी वाक्यों में पिता, पेड़, भैया शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है और दादी, घड़ी, माँ शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुलिंग कहा जाता है। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर आदि। उदाहरण, पर्वत बहुत ऊंचा है, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है, जहाज डूब गया है, ये डब्बा मेज पर रख दो। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जू आदि। उदाहरण, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई है, यह सीता की बंदूक है। हम स्त्रीलिंग से पुलिंग और पुलिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पुलिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। स्त्रीलिंग शब्द से पुलिंग शब्द, चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी, नौकर। Please subscribe this channel for more videos.